इंटरमीडिएट परीक्षा 2018 के परिणाम में व्यापक गड़बड़ी होने के कारण छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने के विरोध में बंदरा प्रखंड के मोहन चौक तक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, बिहार बोर्ड अध्यक्ष के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला गया और मोहनपुर चौक पर इसका पुतला दहन भी किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित छात्र राजद मुजफ्फरपुर अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने कहा कि इंटरमीडिएट के कॉपी का पुनः मूल्यांकन जब तक सरकार नहीं कराएगी तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे। सरकार पुनः मूल्यांकन कराने के बजाय छात्रों पर लाठीचार्ज करा रही है जो निंदनीय है और इसे बंद करके इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए। वहीं युवा राजद अध्यक्ष विनय कुमार यादव ने कहा कि अगर समय पर पुनः मूल्यांकन नहीं होता है तो छात्र सड़क पर उतरेंगे, इसकी पूरी जवाबदेही सरकार की होगी। कार्यक्रम का नेतृत्व छात्र राजद अध्यक्ष बबलू कुमार ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित गायघाट अध्यक्ष सुनील कुमार राय, सुरेंद्र कुमार सोले तथा मनोहर प्रसाद एवं अवैध कुमार, मिंटू कुमार तथा दीपक गिरी व संजय कुमार यादव, सुमित कुमार इत्यादि लोग उपस्थित थे। क्या आप लोगों का क्या आंदोलन है? इंटर के कॉपी में एक बड़ी गड़बड़ियां की है, इसके विरोध में हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाल करके पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। कहाँ पे? ये मोहनपुर चौक है, इसी पे बंदरा प्रखंड के मोहनपुर चौक पे हम लोगों ने पुतला दहन का कार्यक्रम। परिचय आपका? अमरेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष छात्र राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर। किस लिए था? देखिए, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। नीतीश सरकार के 14 साल के कार्यकाल में माने परीक्षा होने से पहले प्रश्न पत्र मार्केट में पहुंच जाता है। बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार इंटरमीडिएट के परीक्षा में इस बार मात्र 54% बच्चे ही पास हुए हैं। जो बच्चा IIT नीट के परीक्षा में पास हैं वो इंटरमीडिएट परीक्षा में फेल हैं। आप बता सकते हैं कि बिहार के बच्चों का माने क्या भविष्य होगा। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आनंद किशोर जैसे लोगों को यहाँ उसका अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन माने आनंद किशोर भी उस व्यवस्था को सही से नहीं बदल पाए। परिचय क्या हुआ सर? मेरा परिचय हुआ विनय कुमार यादव, युवा राजद अध्यक्ष बंदरा, सह प्रभारी गायघाट विधानसभा क्षेत्र।